आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सर आप बहुत ही घटिया द गाड़ी की पीपीटी <laughs> मुझे पता है आज मेरा इस पूरा दिन स्टूडियो सेटअप होगा यार पूरा दिन मैं बस निकल रहा हूं पीपीटी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है बेटा एक बार डिजिटल बोर्ड पे पर आजाना फिर देखना मैं प्लान्स बताऊंगा ठीक है डिजिटल बोर्ड पे संडे सर बहुत <laughs> मुझे पता है बहुत गुस्सा संडे को भाई क्लास थी फिर ट्यूसडे फ्राइडे और फाइनली संडे मैं वादा करता हूँ अगर संडे को एक दिन भी क्लास एक्सटेंड हुई तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी फाइनली स्टूडियो बनने में दो तीन दिन लगते हैं तो वो आ गए हैं आज मेरा पूरा स्टूडियो बनकर सेटअप हो जाएगा कल टेस्टिंग हो जाएगी परसों मैं थोड़ा जल्दबाज किस्म का आदमी हूं मुझे लगा कि सब कुछ सही है तो मैंने संडे को लाइव इवेंट रख दिया तो इसीलिए लाइव इवेंट फाइनली संडे को होगा तो तैयार रहिएगा और उसके बाद फिर सारी क्लासेस मेरी डिजिटल बोर्ड पे होगी अभी तक आप ऐसे ही थोड़ा सा आप मैनेज करिए तो फिलहाल हम बात करेंगे पाकिस्तान की इसकी हमने पहले भी बात की थी डेमोक्रेसी समिट इमरान खान जो है वो तो डेमोक्रेसिक समिट अब अटेंड करने नहीं वाले अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया दुनिया भर की डेमोक्रेसी को अमेरिका ने इनवाइट किया था पाकिस्तान दि, दिखाने के लिए तो डेमोक्रेसी है वैसे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्चुअली में नहीं है कैसे नहीं है अभी आपने देखा कि कैसे एक बेचारा कुछ नहीं एक श्रीलंकन नागरिक अब यह खबर आ रही है कि फैक्ट्री के कि कुछ वर्कर्स उसके एटीट्यूड से परेशान थे वो इतना स्ट्रिक्ट था मतलब वो भाई उसको काम चाहिए ना तो प्रोफेशनल था वो तो इसलिए इसमें फंसा के में फंसा के उसको मार दिया मैंने काफी लेक्चर्स भी लिए थे दो लेक्चर्स लिए खबर आ रही है कि चार औरतों को पाकिस्तान की गलियों में नंगा दौड़ाया गया नेकेड दे वर कपड़े उतार के नंगा। आप समझ रहे हो? क्यों क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने शॉपलिफ्ट किया है शॉपलिफ्ट मतलब अब गए मॉल वॉल में आपने चुरा लिया कुछ उसको कहते हैं शॉपलिफ्टिंग जब किसी भी दुकान पे आपने कोई सामान चोरी किया शॉपलिफ्टिंग यह आरोप लगा है इसकी वजह से उन्होंने क्या किया उन्होंने उनके कपड़े उतार के उनको समझ हो ना ये हो रहा है एक और खबर है पाकिस्तान की आपको यह भी बता देता हूँ तहरीके लबैक पार्टी साद रिजवी ने बोला है कि 2023 हजार तेईस तक तहरीके लबैक पार्टी किंग मेकर होगी पाकिस्तान में हम ही डिसाइड करेंगे कौन आएगा यानी कि एक तरीके से के पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और वहां के लोगों को वहां के इंटेलेक्चुअल तबके को अब आगे आना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग डर क्यों नहीं है पाकिस्तान में लोग डरते हैं मलाला यूसुफ ने आवाज उठाई तो उनको सर पे गोली मार दी अरे जब तुम सब लोग एक हो जाओगे तो किसकी क्या औकात है इमरान खान भी डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है अब उसका नया ताजा नमूना यह है भाई तुम जो बाइडन को तुम अमेरिका को आके दिखा रहे हो तुमको नहीं पता कि अमेरिका आईएमएफ को कंट्रोल करता है वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है मैं मानता हूं कि अमेरिका ने बहुत गलत है अमेरिका ये बिल्कुल मैं मानता हूं लेकिन सबसे गलत में फिलहाल वही सही है अभी थोड़ा बहुत जो भी है ठीक है तो अमेरिका बहुत गलत है दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी अमेरिका की वजह से लेकिन हमको ये बात नहीं माननी चाहिए कि अभी अमेरिका ही सुपर पावर है <laughs> चाहे सऊदी अरब हो चाहे एम एफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो हर कोई अमेरिका की बात मानता उनका शेयर है ना पाकिस्तान के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं बहुत वैसे इनकी इकोनॉमी आप देख ही सकते हैं कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी कितनी बुरी हालात में है दूसरा पॉइंट ये है कि जो चाइना है चाइना उसका डोमिनेंस पाकिस्तान पे बढ़ गया है अब आप समझिए असली वजह मैं दावे के साथ ये लिख के कह सकता हूं क्योंकि चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया था अमेरिका ने चाइना ने ही पाकिस्तान को मना किया है इसका सबूत हमको मिल रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान ने बोला कि हम समिट नहीं करेंगे चाइना के अखबारों में इतनी तारीफ लिखी है पाकिस्तान की इतनी तारीफ कि ऐसा लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है जैसा चाइना ताइवान के लिए करता है ना ऐसा पाकिस्तान इतनी तारीफ आप समझिए कि ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए वो पता नहीं क्या समझ रहा है भाई देखो भारत एक कल्चर है 1947 के बाद छोड़ दो पहले सब कुछ बढ़िया था ये एक भाई यहां से बुद्धिज्म उदय हुआ यहाँ ये कल्चरल साइट्स हैं हमारे कल्चरल रिलेशन है आप अपने देश को किसी और देश को बेच रहे हो एक तरीके से तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है अब ये नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया है इमरान खान ने बताया है अब ये बता रहे हैं कि भाई देखो हमने हम तो इमरान खान का बयान है कि देखिए हम तो गैप को कम कर रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में अरे काहे का, का गैप यार अगर गैप को कम करना था तो तुम तो तो अमेरिका में जाके समिट अटेंड करते नौ से दस हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि देखिए सिचुएशन जो है वो एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है जहां एक तरफ चाइना है जहां एक तरफ पाकिस्तान है अरे सॉरी अमेरिका है और पाकिस्तान अपना बेस्ट चाहेगा कि इन ब्लॉक्स के फॉर्मेशन को रोका जाए ये इट्स नॉट गुड ये इमरान खान का सवाल है इस्लामाबाद कॉन्क्लेव दो में उन्होंने बोला ये चीज है अब देखिए पाकिस्तान आपको पता पाकिस्तान और क्यों पीछे हटा ताइवान की वजह से ताइवान की वजह से पाकिस्तान पीछे हट गया क्योंकि यहां पे अमेरिका ने अब ताइवान को भी इनवाइट किया हालांकि ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया अमेरिका ने अब चाइना और ताइवान की जन्मजात दुश्मनी है इसकी वजह से भी पाकिस्तान पीछे हट गया अरे हमको तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर बीजिंग इज रिप्रेजेंटिंग चाइना और अभी पाकिस्तान चाइना को अपसेट नहीं कर सकता फिर यहां पे इमरान खान बोल रहा है कि भाई देखो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कश्मीर इशू फिर कश्मीर इशू का राग क्यों अलाप रहे हो मेरे भाई आप अपने अपने देश को देखो नहीं मिलेगा जिंदगी में नहीं मिलेगा समझ ही नहीं आता है ये लोग क्या कर रहे हैं क्या है इनका पाकिस्तान के जो एन एस ए मोहित यूसुफ उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान बोला कि देखिए हमने कोई भी मिलिट्री बेसिस चाइना को नहीं दिया है ये सरासर गलत है जो ग्वादर पोर्ट है ना हमने वहां पे चाइना को कुछ भी नहीं दिया है भाई इकोनॉमिक हाँ, बेसिस है चाइना के पाकिस्तान में अरे तो क्या फायदा भाई तो कौन सा एक बात बताओ इकोनॉमिक बेस और मिलिट्री मजाक कर रहे हो क्या ये इकोनॉमिक बेस कब मिलिट्री बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तुमको क्या पता क्या पता मिलिट्री बेस ही मांगे वो अब यहां पे बोला है कि भाई देखो पूरी दुनिया में जैसे अगर यूके इन्वेस्ट करना चाहे रशिया इन्वेस्ट करना चाहे मिडिल ईस्ट इन्वेस्ट करना चाहे तो वी आर ओपन टू ऑल कंट्रीज आप आ जाओ आप इन्वेस्ट करो और क्या दिक्कत है यही सब बकवास की है इमरान खान और पाकिस्तान में द सेंसेबल थिंग पाकिस्तान को भारत के साथ आना चाहिए क्यों नहीं का रहा है पाकिस्तान और इंडिया शुड वर्क टुगेदर ठीक है पाकिस्तान और भारत को अब एक साथ काम करना चाहिए इनके हायर अथॉरिटीज को नहीं मालूम ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि डेमोक्रेसीज के साथ आप काम कर रहे हो ना लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर आप नॉन डेमोक्रेसी चाइना के साथ काम करोगे रशिया के साथ काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए लेकिन ये आप समझेंगे जब तक बहुत देर हो जाएगी मेरी तो भाई यही एडवाइस होगी हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं मैं कौन एडवाइस करने वाला फिलहाल अच्छा एक जनाब है जो मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोज बना पाकिस्तान के तो चलिए <laughs> बहुत बच्चों ने बोला कि सर ये देखिए इनके उनका चैनल का नाम गया हूँ कहा कि सर ये देखिए ये मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये मेरी सबको अपील है वहाँ पे पाकिस्तान में भी सबको अपील है जो रिएक्शन उनसे भी अपील है मेरी कि भाई पाकिस्तान और भारत साथ में आए यार है ना हम लोग यहाँ वहाँ के लोग तो सेम ही है ना क्यों ये इतना जो नफरत है इतना हर छोटी छोटी बात पर नफरत तो ये इमरान खान को समझना चाहिए और देखिये ये सच्चाई है अगर आप सच्चाई से नकारोगे कि नहीं पाकिस्तान तो गलत हो गई ये जो है वो है सच में है कि पाकिस्तान में समय बुरी हालत है वहां पे लोगों के राइट्स को खत्म ही किया जा रहा है वहां मतलब इट्स नॉट गुड और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है आप जाइए सर्च कर लीजिए आप डालिए पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायोलेशन या कुछ भी आप तो आपको पचास आर्टिकल्स मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान भारत साथ में है साथ में काम करे और अमन चैन के लिए काम करे भाई भारत का एक ही तो पॉइंट है कि आप आतंकवाद को रोको और ये सबको पता है भाई सबको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है लेकिन इनकी आर्मी और आईएसआई चाहती ही नहीं है कि अमन चैन बने जब भी इनकी मिले। <coughs> बहुत बड़ा गैप है इनकी पॉलिटिक्स आर्मी और आईएसआई में मैंने बताया था मैंने लेक्चर्स भी लिया था ठीक है तो कुछ रहे पढ़ते रहे सिद्धांत नहीं होती